शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। हाँ, हाँ, बिल्ली है, चलिए चलिए, मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। कितना दुख लिया, बीच में मत बोलो, जोकर जोकर, नो जोकर, गांधी जी का दुख देख लिया आपने, कौन सा धर्म जाके पलक्कड़ से, नहीं नहीं नहीं, जाके वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग के सहायता से, वहाँ चुनाव जीता है मुस्लिम लीग के सहायता से। आज इस वीडियो में बात हम भाजपा नेता संबित पात्रा की करेंगे। हम मीडिया के कुछ डिबेट्स देखेंगे जिनमें संबित को विपक्ष के नेताओं से करारे जवाब मिले। न्यूज 18 पर राहुल गांधी के बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अमीश देवगन ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथे से सवाल किया। अपने जवाब में सुप्रिया ने सरकार की आलोचना की, जिस पर संबित ने उन्हें बीच में टोक कर बोलना शुरू कर दिया। पर सुप्रिया ने संबित को मुंह तोड़ जवाब दिया और एंकर को भी सुना दिया। जैसी बातें आप लोग करते हैं, मैं डिबेट नहीं करूंगी। अगर ये बोलेंगे तो क्या, चुप रहिए, वोटर से चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, ये का हेडमास्टर, नहीं नहीं, हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे, ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ, मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें। अच्छा ठीक है, समित समित, आप सियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। समित आप शांत रहिए, तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने बिल्ले। हाँ, आप बिल्ली हैं, चलिए चलिए, मैं बिल्ला, आप बिल्ली, चलिए बोलिए। आप बोलने दीजिए, मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं। मैं बातें ना सुनती हूँ और यहाँ ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहूदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, 300 किसान मर गए, क्यों नहीं एक शब्द निकला आज तक संबित पात्रा या इनके आका के मुंह से। आज तक की एक डिबेट में पहले संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। जब कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने सरकार की आलोचना की तो संबित बीच में बोलने लगे। गौरव ने संबित को जोकर बताया, जिस पर ये बहस और तीखी हो गई। दूसरी बात, रूपा गांगुली जी कितनी दुखी थी, मेरे से उनसे उनका दुख ही नहीं सहा जा रहा। उन्होंने कहा हिंदू कहाँ जाए, रूपा गांगुली जी श्रीलंका के हिंदू कहाँ जाए, म्यांमार के हिंदू कहाँ जाए, दुख मेजर करते हैं, मेरे से राहुल गांधी जी का दुख नहीं देखा जा रहा, कितना दुख लिया राहुल गांधी, मत बोलो, जोकर जोकर, नो जोकर, गांधी जी का दुख देख लिया आपने, कौन सा धर्म, अरे सुनो तुम दुख, सुनो जोकर, जोकर राहुल गांधी सबसे बड़ा जोकर, तुम्हारा सबसे बड़ा जोकर राहुल गांधी है, ये चिल्ला रहा था, ये बदतमीज आदमी चिल्लाता है तो कुछ नहीं है, इसके बीच में जब इसी की गोली दी जाती है, चुप हो जाओ, ये कांग्रेस प्रवक्ताओं को यही इंजेक्शन लगना चाहिए, जब ये हमारे बीच में चिल्लाते हैं तो इनको लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जब आप आपके बीच में आप ही की इंजेक्शन हम आपको देते हैं तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हो, नहीं सुनिए सुनिए, हाँ बिल्कुल चुप हो जाइए। न्यूज 18 पर बंगाल के चुनावों पर डिबेट जारी थी, इसमें भी संबित विपक्ष की ही आलोचना कर रहे थे। जब कांग्रेस नेता की बारी आई और उन्होंने सरकार की आलोचना की तो संबित ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये वो लोग हैं जो जंगे आजादी में इस देश के खिलाफ गद्दारियां करते हुए अंग्रेजों के साथ, ये वो जंगे आजादी आ गया इनका, जंगे आजादी, बड़ा जंगे आजादी में तलवार उठा के सोनिया गांधी झूमरी तलैया से लड़ रही थी, अरे चाचा जी ये जंगे आजादी में सोनिया गांधी तलवार उठा करके कौन से झूमरी तलैया से लड़ रही थी बताओ तो जरा, कौन से झूमरी तलैया से, उनको 40 सेकंड दे दीजिए, बड़ा सोनिया गांधी एकदम राहुल गांधी को पीछे टांग करके लड़ रही थी एकदम झूमरी तलैया में, एकदम यूरोप से लाए हैं अध्यक्ष, हमें सिखाते हैं जंगे आजादी, एकदम अरे जानते हैं कि नहीं, सोनिया जी के पिताजी का नाम बताइए तो स्टीफानो माइनो, जाके पलक्कड़ से, नहीं नहीं, जाके वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग के सहायता से, वहाँ चुनाव जीता है मुस्लिम लीग के सहायता से, अब मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग कर रहे हैं, मैं तो पीछे बोलता नहीं, वायनाड से कौन चुनाव जीता है, वायनाड से कौन चुनाव जीता है। आज तक पर यूपीए सरकार और शरद पवार को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित पात्रा कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे, पर इस बार कांग्रेस नेता ने संबित के जवाब में बीच में टोका, जिसके बाद संबित एंकर को उन्हें चुप करवाने के लिए कहते नजर आए। परिवार का पावर चाहिए, इसीलिए ये सब ड्रामा हो रहा है, ये सारे जो लोग बैठे हुए हैं पैनल में ये सब परिवार वाले पार्टी है, आप देख लीजिए, हमारे दो यार नहीं चाहिए, इस प्रकार से हमारा परिवार बचे यार नहीं चाहिए, इनको पावर, कांग्रेस परिवार नहीं है, परंपरा है त्याग और बलिदान की। सर
ये हमदौर हमारे दो यार की सरकार चल रही है, उससे निजात चाहिए देश को। भगवान जी जरा शांत रहिए, मैं अब चिल्ला ये वंश नहीं विचारधारा है संबित पात्रा जी, देश को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए। ये वंश नहीं, मैं तो काम, अरे अरे मैंने तो परिवार बोला, मैंने तो वंश बोला ही नहीं, आप लोग वंश कहाँ है? अरे आप भगवान है, आप वंश नहीं है, अरे आप परिवार नहीं है। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप भी तो दो ही लोगों का जो विरासत अर्जित की भारत नहीं चाहता हूँ, उसे सेल पर लगा देना चाहते हैं। को लिख रहा हूँ गेल हो, अंजना जी मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, वरना मैं सबके बीच में भी चिल्ला सकता हूँ, उससे लोगों को पता नहीं चलेगा। दोस्तों को एक सेकंड अंजना जी, संबित पात्रा जब भी डिबेट में आते हैं तब विपक्ष की आलोचना करते हैं और उन पर हावी होते दिखाई देते हैं, पर अब ऐसा शायद बार बार नहीं होगा। अब विपक्षी नेता भी उन्हें बराबर का जवाब देने लगे हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.